મારા ભાઈ ભાભી અપંગ છે, સામનો કરી શકે એ પરિસ્થિતિમાં આવી નથી। बीते शनिवार यानी 12 फरवरी को गुजरात के सूरत जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। एक शख्स ने 21 साल की युवती का गला काट दिया। कहा जा रहा है कि एक तरफा प्रेम में उसने इस घटना को अंजाम दिया। सूरत के कामरेज इलाके के पास पसोडरा पाटिया नाम की जगह में ये घटना हुई। इस घटना में 21 साल की ग्रीष्मा विकारिया की मौत हो गई। फैनिल गोयानी नाम के युवक ने इस घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया। जब उसने ग्रीष्मा पर हमला किया तब ग्रीष्मा की मां भी वहां मौजूद थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ग्रीष्मा के माता पिता विकलांग हैं, लेकिन ग्रीष्मा ने उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। वो उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी, लेकिन अब ग्रीष्मा के माता पिता ने अपना एकमात्र सहारा खो दिया। ग्रीष्मा के पिता अफ्रीका में नौकरी करते हैं। उन्हें जैसे ही इस घटना की खबर लगी वो तुरंत सूरत पहुंचे। ग्रीष्मा के शव को देख वो अवाक हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे। वहीं बीते 3 दिनों से ग्रीष्मा की माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। ग्रीष्मा पढ़ाई में काफी अच्छी थी और वो सेना में शामिल होना चाहती थी। मारा भाई भाभी अपंग थे, सामनो करी हगे ई परिस्थिति मां भी नथी। दीकरी तो आज जती रही, पण ई जे घटनाओ छे ने ई मरसे त्यां सुधी मगज माथी जशे। એના માટે અમે છીએ, અમે રડવામાં અમે છીએ ને ન્યાય અપાવવા માટે। આજે અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે કોલેજો ઉપર, સ્કૂલો ઉપર અથવા એવા કોઈ ચા પાનના ગલ્લા ઉપર, ટપરી ઉપર જે લોકો આવાર તત્વો રખડતા હોય છે એની ઉપર ખાસ કરીને કાર્યવાહી થવી જોઈએ। પહેલાં તો હવે આખા સમાજે જાગૃત થવું પડશે। આપણા બાળકોને બી આપણે સારું એવું શિક્ષણ આપવું પડશે। આપણું સંપૂર્ણ ધ્યાન આપણા બાળક ઉપર હોવું જોઈએ। આપણું બાળક શું કરે છે, શું નથી કરતું, એના મગજની અંદર કયા પ્રકારના વિચારો આવી રહ્યા છે, આ બધી વસ્તુ ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ। ग्रीष्मा के अंतिम संस्कार में हजारों लोग जुटे। लोगों ने ग्रीष्मा के माता पिता को इंसाफ दिलाने की मांग की और उसके हत्यारे को सख्त सजा देने की बात कही।